दूंगा। इस अपडेट के बाद एक से ज्यादा सेटिंग्स अपनी गेम के अंदर डाली गई हैं, जैसे कि सबसे पहले तो लॉगिन हिस्ट्री, ऐसी काफी सारी नई नई रखी है, उन सब के बारे में बताता हूँ। लेकिन उन सबसे पहले हम जानेंगे लॉगिन हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पर एक ऐसी हिस्ट्री बनेंगे कि गाइस आपका आईडी किस किस मोबाइल के अंदर लॉगिन किया गया है। जैसे मेरा सैमसंग के फोन के अंदर, वीवो के फोन के अंदर, ओप्पो के फोन के अंदर, शाओमी के फोन के अंदर लॉगिन था, तो वो सब यहाँ पर बता रखा है। अभी तो फिलहाल यहाँ पर किस मोबाइल के अंदर लॉगिन है उधर बता रखा है। मेरा एक ही मोबाइल के अंदर लॉगिन है, बाकी सब जगह पर लॉग आउट है। नहीं तो अगर आपको अंश क्या लगता है, तब लॉग आउट ऑल डिवाइस कर सकते हो इस सेटिंग के थ्रू। मतलब यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी और सिंपल सी सेटिंग बता रखी है। बट इन सब के बाद और देखा जाए तो बाकी सब कुछ पुराना ही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक से ज्यादा सेटिंग तो यहाँ पर ही नजर आ जाएंगी, जैसे डिलीट अकाउंट। यारो ये सेटिंग नहीं, मतलब यहाँ पर अपना अकाउंट उड़ाने की नई चीज आ रखी है। अभी तो फिलहाल मैं आपको कंफर्म पर दबा कर दिखा देता हूँ तो नहीं खुल रहा, बट यहाँ पर कंफर्म पर दबाते हो मतलब किसी भी दोस्तों को या फिर किसी भी जलने वाले को आईडी दे देते हो, अगर वो आपसे जलता है तो यहाँ पर वो आपकी आईडी लॉगिन करेगा, डिलीट अकाउंट पर आएगा, फॉर्म फिल करेगा, उसके बाद कंफर्म बटन पर दबाएगा, तो बस आपकी आईडी का सत्यानाश। तो अभी से ध्यान रखना और यहाँ पर सोच समझ कर ही किसी को आईडी लॉगिन करवाना, पहली चीज है। दूसरी, यहाँ पर साइन विद गूगल प्ले, तो मतलब ये गूगल प्ले के साथ यहाँ पर अपनी आईडी वगैरह लॉगिन हो जाती है और अपने को ज्यादा से ज्यादा ऑफर देखने को मिलते रहते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर के अंदर। होता है ना कुछ भी डिस्काउंट मिल गया टॉपअप करने पर, वो सब इधर आप लॉगिन करके रख सकते हो तो आपको मिलता रहेगा, तो जैसे कि देख सकते हो। तो फिलहाल तो मैंने गूगल के साथ साइन कर दिया और उन सब के बाद यहाँ पर टर्म एंड कमीशन, प्राइवेसी और यहाँ पर कस्टमर सर्विस की सेटिंग भी एक डाली गई है। तो यहाँ से आप अपनी मतलब मदद वगैरह ले सकते हो ग्रैना वालों से। अभी पता नहीं ये क्यों नहीं खुल रहा था, लेकिन यारो मतलब खुलने लग जाएगा कस्टमर सर्विस, यहाँ पर डिलीट अकाउंट, तो ये सब है सेंसिटिविटी से। तो मैं तो आज तक 100 ही रखता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से बना सकते हो या फिर मेरे को कमेंट में बता सकते हो। उन सब के बाद यहाँ पर सेटिंग्स है, पता नहीं क्यों यारो मेरी सच्ची बताऊं कस्टम एचयूडी बिगड़ गई। अपडेट के बाद पता नहीं क्या हुआ लेकिन मेरी कस्टम एचयूडी बिगड़ गई। मैंने अपलोड भी कर रखी थी यहाँ पर, जब डाउनलोड पर दबाया तो मेरे को कस्टम एचयूडी दिखी नहीं, तो फिर मैंने सोचा इसको रिसेट करके दोबारा बनाएंगे। अगर ऐसा आपके साथ हुआ तो मेरे को कमेंट में बताना, मेरे साथ तो ये अन्याय हुआ, मतलब ये गंदा सा सीन हो गया। लेकिन चलो छोड़ो, आपके टाइम पर कस्टम एचयूडी वही है। लेकिन चलो मैं आपको सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। शूटिंग, तो इसके अंदर आप सबसे पहले डिफीट उन सब के बार यहाँ पर अपना रिलोड एंड फायर ये सब ऑन वगैरह कर सकते हो। बाकी क्विक वेपन स्विच, ये क्या होता है बहुत सारे भाइयों को क्वेश्चन होता है, पता भी होगा बहुत सारे बंदों को। तो यारो मैं आपको बता दूं, एक आपको एक्स्ट्रा बटन दे दिया जाता है, इसको अगर ऑन कर देते हो तो जिससे आप अपनी वेपन वगैरह स्विच कर सकते हो, बट ये किसी काम का नहीं। पीसी वगैरह के अंदर काम आता है लेकिन मोबाइल के अंदर काम का नहीं। उन सब के बाद क्विक रिलोड बटन, तो मतलब ये सब एम ही है। बट यहाँ पर ये देखो एक नई सेटिंग करके जिसके पास क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर ये बढ़िया, इसको ऑन कर लेना जिससे आप जब भी रिलोड वगैरह करोगे आपको पता लगता रहेगा फ्री लुक। तो वही आग सी तो ऑन कर सकते हो अगर आपका मन नहीं। बट इन सब के बार ऑटो गन स्विच, इसको तो ऑन कर ही देना, ऑटोमेटिकली जब एमओ वगैरह खत्म हो जाते हैं तो आपके हाथ में दूसरी गन आ जाती है, तो वही वाली है। और इन्हीं के बार यहाँ पर बीआर स्कोर एक्सेस टाइप, तो इसको भी आप ऑन कर सकते हो। इन सब के बार आइटम फाइंडर आप ऑलवेज ही कर देना, आपको गरेना बोले खुद से आइटम वगैरह ढूंढ ढूंढ कर देते रहेंगे, बढ़िया सेटिंग है। और इन्हीं के बाद यहाँ पर अपने थ्रो बेल्स, तो यहाँ पर आप कर सकते हो क्या क्या, तो जैसे कि यहाँ पर ग्रेनेड स्लॉट डबल स्लॉट कर सकते हो। तो डबल स्लॉट का फायदा आपको पता है, एक ग्लोबल बटन एक ग्रेनेड बटन। तो यारो मेरी तो अभी फिलहाल रीसेट है कस्टम एचयूडी, और इन सब के बार यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। बाकी सेटिंग नीचे की साइड मूवमेंट के लिए, जैसे रन बटन, व्हीकल, तो ये सब नजर आ जाता है। और इन्हीं के बार यहाँ पर नीचे नोटिफिकेशन, जो कि आप सिमिलर भी कर सकते हो, यारो सिमिलर कर लेना, मतलब सिंपली डिफाइड कर सकते हो या फिर क्लासिक। मैं सिंपली डिफाइड रखता हूँ, नोटिफिकेशन वगैरह जो ऊपर दिखने लगता है ना डेंजर ऐसे होगा जोन स्टार्ट होगी, तो वही सिंपलीफाइड कर सकते हो, सिंपल सा छोटू सा इंटरफेस आता है। और इन सब के बाद ये सारी सेटिंग पुरानी ही है, लेकिन यहाँ पर नीचे देखो टीम मेट्स निकनेम हाइड, तो ये क्या है, तो यहाँ से आप पता क्या, इसको अगर आप ऑन कर देते हो आपके दोस्तों के नाम वगैरह उनके सिर के ऊपर लिखे हुए आते रहते ना, वो शो नहीं होने वाले अगर आप हाइड कर देते हो। अगर आप डिस्प्ले कर देते हो तो उनके सिर के ऊपर नाम वगैरह शो होगा, तो समझे ना। और उन सब के बाद यहाँ पर लास्ट में आपको ये जो सेटिंग नजर आ जाती है, इसी का यही मतलब है। और इन सब के बाद ऑटो पिकअप, तो यहाँ पर
मैं चलो इस वाली सेटिंग को ऑन कर लेता हूँ। सारी सेटिंग आप ऑन कर लेना जिससे ऑटोमेटिकली लूट आपकी उठाई जाएगी। तो ये भी अपडेट के बाद पता नहीं कि ऑटोमेटिकली बिगड़ी पड़ी थी बहुत सारे बंदों की। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा इसके अंदर किस तरह कस्टमाइज करना है तो चलो मैं आपको कस्टमाइज करके दिखाता हूँ। इसको रीसेट एक बार कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने सब कुछ ऑन ऑन फास्ट कर दिया और इन सब के बाद ये देखो मैंने बनाई है अपनी कस्टमाइज ऑन ऑन करके क्लासिक और मतलब इनको फास्ट फास्ट कर दिया। क्लासिक मोड का भी देख सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो अपने क्लासिक मोड का भी मतलब इस तरह इतनी एमो उठनी चाहिए ऑटोमेटिकली। ये सब आप देख सकते हो अगर आपको बनाना है। बाकी इधर अपने ग्राफिक्स तो ग्राफिक के अंदर भी अपने को कोई भी नया बदलाव नहीं नजर आता। लेकिन बहुत सारे बंदे कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम अपनी ग्राफिक को रखें कहां पर। तो चलो वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास मतलब नॉर्मल सा डिवाइस है नॉर्मल जो लैग मारता है तो आप स्मूथ या स्टैंडर्ड यूज कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो अगर आपका दोस्तों हल्का फुल्का लैग करता है और यहां पर मतलब आपको मतलब 2 GB तक है तो आप स्मूथ रख सकते हो। अगर 3 GB वाले हो और स्टैंडर्ड रख सकते हो नहीं तो यहां पर 5, 6, 7, 8 मतलब 4 GB से ऊपर वाले यहां पर अल्ट्रा या मैक्स क्लैरिटी रख सकते हो। तो इससे गाइस यहां पर आपको अच्छा गेम प्ले वगैरह एक्सपीरियंस होगा। तो मैं तो फिलहाल मेरे 8 GB रैम है तो यहां पर मैं ये वाली सब क्वालिटी वगैरह रखता हूं जैसे देख सकते हो बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया। और उन सब के बाद यहाँ पर गेम ऑडियंस जो कि यहाँ पर मैं इसको एक कर देता हूँ मतलब ज्यादा नहीं मेरे को ये साउंड चाहिए था म्यूजिक। और उन सब के बाद 100 रखा है सब कुछ और ये सब ऑन है। और ये क्विक मैसेज जो कि आपको पता ही है हेल्प मी वे सब कर सकते हो वो अपनी तरफ से आप कस्टम कर सकते हो इन सब के बाद। बाकी रिकॉर्डिंग जो कि मैंने रिप्ले कब से ऑफ कर रखा लेकिन अब से ऑन करूंगा। और गाइस सुनने के बाद यहाँ पर बाकी सब अपने को नजर आ जाता है माइक वीडियोस वगैरह जो भी रिकॉर्ड वगैरह होती है। अभी तो फिलहाल पता नहीं क्यों अपडेट के बाद सबकी उठ गई लेकिन यहाँ पर ये कुछ मैंने नए रिप्ले वगैरह रिकॉर्ड किए देख लीजिए। और उन्हीं के बाद यहाँ पर नीचे अपने को वाइब्रेशन नजर आ जाती है तो ये किसी काम के नहीं है। इनको आप ऑफ भी रख सकते हो बाकी मैंने ऑन कर रखी है तो जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन उन सबके बाद ये बढ़िया सेटिंग तो ये बहुत ही ज्यादा काम की सेटिंग है। मतलब इससे आप अपना नेट इसको अगर ऑन कर देते हो अगर हॉटस्पॉट या फिर मोबाइल इंटरनेट पर खेल रहे हो तो अगर आपका हॉटस्पॉट का नेट अच्छा चल रहा है तो उस पर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी नहीं तो मोबाइल इंटरनेट से। और उन्हीं के बाद ये नोटिफिकेशन जो आपके दोस्त वगैरह रिक्वेस्ट भेजते अगर आपके पास आ नहीं रही तो इन सबको ऑन कर देना। और उन्हीं के बाद फ्री फायर मैक्स की चलो ये थी आज की वीडियो। आपको कुछ बतानी थी सेटिंग्स वगैरह और तो यहाँ पर मैंने देखा कुछ भी नहीं आ रखा। मतलब एक हाइड नेम वाली नई सेटिंग है ये डिलीट अकाउंट वाली और यहाँ पर अकाउंट हिस्ट्री और मैंने पूरी तरह ढूंढ लिया और तो मेरे को कोई सेटिंग नहीं मिली। बट बहुत सारे बंदों की कस्टम एचयूडी बिगड़ गई थी ये पता नहीं शायद से अपडेट के बाद ग्लिच था लेकिन आप बना सकते हो। चलो फिर आज की वीडियो में तो आपको इतना सब बताना था होप कि समझ गए तो लाइक सब्सक्राइब एंड चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।